नारायण नारायण नारायण। श्रुति भगवती का यह दिव्य स्वभाव है, वह विषयी साधक और सिद्ध पर भी अनुग्रह करती है और उनको उन्नत दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर हम विषयी हैं तो साधक बने, और यदि हम साधक हैं तो सिद्ध बने, और यदि हम सिद्ध हैं तो सिद्धता के अभिमान से ऊपर उठें। अर्थात मैं सिद्ध हूँ ऐसी भी चित्त में भावना न बने। इसलिए ये श्रुति उन ब्रह्मात्मिक बोध प्राप्त किए हुए मनुष्यों के लिए है। यह श्रुति उनको संदेश दे रही है कि सच्चा परमार्थ तो यह है कि मैं मुक्त हूँ, ऐसी भी संबित न बने, अथवा मैं मुमुक्षु हूँ ऐसी भी भावना न बने, अथवा मैं साधक हूँ ऐसी भी चिंतन धारा न चले, न मैं बद्ध हूँ ऐसा भी विचार न उठे, और यह भी विचार कभी न उठे कि मेरी कभी उत्पत्ति हुई थी, और यह भी चिंतन धारा हमारे चित्त में कभी न चले कि मेरी जो प्रतिभा है वह किसी का विरोध करने वाली है। अब जरा विचार करें, मैं तो न किसी का विरोधी हूँ, न मेरी उत्पत्ति हुई है, न मैं बद्ध हूँ, ना मैं साधक हूँ, ना मैं मोक्ष हूँ, ना मैं मुक्त हूँ। यह कहने का अभिप्राय क्या है? यह श्रुति यही बताना चाहती हम सबको कि जितनी बातें कही गई हैं निरोध की, उत्पत्ति की, बद्ध की, साधक की, मुमुक्षु की, मुक्त की, ये सब एक कल्पना मात्र है। यदि कल्पना मात्र न होती तो निश्चित रूप से बद्ध कभी मुक्त न होता। बंधन भी कल्पना है, उत्पत्ति भी कल्पना है, निरोध भी कल्पना है, साधक बनना भी एक कल्पना ही है, मुमुक्षु होना भी एक कल्पना ही है। अन्य कल्पनाओं को काटने के लिए साधक होने की कल्पना बहुत अच्छी है, अन्य कल्पनाओं को काटने के लिए मोक्ष होने की कल्पना बहुत अच्छी है, अपने को अन्य से अलग करने के लिए मुक्त होने की कल्पना भी अच्छी है। सच्चाई तो ये है, इन कल्पनाओं से परमार्थ बिल्कुल परे है। परमार्थ में कभी कहीं बंधन था ही नहीं, मोक्ष था ही नहीं, मुमुक्षु बनना कहाँ से होगा? ये तो केवल अज्ञान के कारण बंधन लगता है। इसलिए श्रुति भगवती कहती है, चलो विचार करो, बढ़ो आगे। यह चिंतन, मैं पुनः कहूँ, विषयों के लिए नहीं है, यह चिंतन साधकों के लिए भी नहीं है, यह चिंतन सिद्धों के लिए भी नहीं है। जो सिद्धों के सिद्ध हैं अर्थात श्री परमहंस हैं, उनका यह चिंतन है। एक होते हंस, एक होते हैं परमहंस, एक होते हैं श्री परमहंस। तो यह चर्चा जो हुई है श्री परमहंस की चर्चा है, निश्चित रूप से अद्भुत है ये चर्चा। इस भाव से भरें कि कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है, कहीं किसी का जन्म नहीं है, कहीं किसी का बंधन नहीं है, कोई साधक नहीं है, कोई मुमुक्षु नहीं है, कोई मुक्त नहीं है, केवल परमात्म तत्व है, सत्ता मात्र है। उस सत्ता मात्र को, सत्य मात्र को हम स्वीकार करके अपने जीवन को
अरस से परिपूर्ण रखें। नारायण नारायण नारायण।